क्यों आई हो यहाँ? किस लिए मिलना चाहती थी मुझसे? अपने कसूर की माफी मांगने के लिए। कसूर की माफी? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये तो तुम्हारा पेशा है, लोगों को फंसाकर उल्लू बनाना, उन्हें तबाह करना, उन्हें बर्बाद करना, यही तो वेश्या का धंधा है। मोहन बाबू, वेश्या आसमान से नहीं गिरती, वो भी किसी की बेटी होती है, वो भी किसी की बहन होती है, वेश्या भी औरत होती है मोहन बाबू। जिसकी जिंदगी बेशुमार गुनाहों की दास्तान हो, जिसकी हर सांस में फरेब और मक्कारी का जहर घुला हो, अगर वो औरत है तो थूए ऐसी औरत पर। उन मर्दों के मुंह पर थूकिए मोहन बाबू, जो औरत को वेश्या बनाते हैं, उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, अपने मतलब के लिए उसे तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। औरत इसलिए मक्कार है कि वह खुद मर्द की तरफ कदम नहीं उठाती, जब तक कि मर्द खुद उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। औरत इसलिए मक्कार है कि वो अपने जज्बात को कभी जुबान पर नहीं लाती, जब तक कि मर्द हजारों कस्में खा खा कर अपनी मोहब्बत की दास्तान उसके सामने नहीं दोहराता। मोहन बाबू, औरत मक्कार नहीं, औरत फरेबी नहीं, मर्द मक्कार है, मर्द फरेबी है। तुम मर्द लोग अपनी वक्ती बीवियों के लिए चकले बनाते हो और अपनी नाजायज औलाद के लिए अनाथ आश्रम खोलते हो, और फिर समाज के ऊंचे महलों में बैठकर उन पर धिक्कार बेचते हो ताकि लोग तुम्हें बदनाम न कर सके। मोहन बाबू, किसी वेश्या की जबानी सुनी है उसकी दर्द भरी कहानी, वो बताएगी आपको कि कौन किसे फंसाता है, कौन किसे डुबाता है। यही कहेगी वो, मर्दों ने मुझे फंसाया, मर्दों ने मुझे वेश्या बनाया। मैं भी एक ऐसी ही बदकिस्मत वेश्या हूं मोहन बाबू। आपके गहने पहले ही आ चुके, ये लीजिए अपने रुपए।